साथियों नमस्कार। हम एक और बड़ा रोचक विषय आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। फलदार पेड़ों की छटनी पहले की जानी चाहिए या जड़ों का उपचार पहले किया जाना चाहिए? साथियों बड़ा एक टेक्निकल सवाल है, अक्सर पूछते हैं कि पेड़ों की छटनी पहले करें या जड़ों का उपचार पहले करें। ये जो फैसला है ये किसान को पौधे की अवस्था देख के करना पड़ता है। यदि पौधे की जो हरी छतरी है, जो कैनोपी है उसकी, उसका विकास हुआ है, उसमें फल नहीं आ रहे, तो पहले इसकी जड़ों का उपचार करना होगा और उसके बाद उसकी जो छतरी है वो हमें करनी पड़ेगी। दूसरी ओर यदि पेड़ की हरी छतरी का विकास ही नहीं हुआ तो हम इसको पहले छटनी कर सकते हैं। यदि नई शाखाएं नहीं फूट रही तो जड़ों का उपचार करना चाहिए। याद रखें, छटनी निर्धारित अंतराल के बाद नियमित रूप से करते रहना चाहिए। और हमने पिछले वीडियोस में इसके बारे में बात की थी कि ये हमें छटनी कब कब करनी चाहिए। जड़ों का उपचार है और जो छटनी है इसके बीच में अपना डिसीजन इस प्रकार से ले सकते हैं कि यदि कैनोपी का विकास हो गया है और फल नहीं आ रहे हैं तो जड़ों का ट्रीटमेंट पहले करें, और यदि कैनोपी का विकास नहीं हुआ है तो हम अपना पहले छटनी भी कर सकते हैं, हम बाद में जड़ों का जो है ट्रीटमेंट उसको भी कर सकते हैं। तो साथियों आपको यदि इस विषय में कुछ और जानकारी है, आपके कुछ सवाल हैं तो आप हमारे को कमेंट बॉक्स के अंदर आके इसके बारे में हमसे बात कर सकते हैं। यदि आपको किसी और विषय के बारे में रुचि है और आप जानना चाहते हैं तो आप उसके बारे में भी आप हमारे को कमेंट बॉक्स में सूचित करें। हमारी जो रिसर्च टीम है वो उस विषय के ऊपर में तमाम जानकारियाँ ढूंढ के लाएगी और हम उसके बारे में वीडियो बना के आपकी सेवा में प्रस्तुत करेंगे। धन्यवाद।